हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सईदा। आज हम बनाने जा रहे हैं पाए। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टमाटर, ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 2 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन चाहिए, 1 लेमन और पाए मसाला। पाए मसाला आसानी से आपको जनरल स्टोर्स में मिल जाता है। अब आते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमें बड़ा गोश्त चाहिए और पाए चाहिए। इन्हें हम 4 से 5 घंटे के लिए उबालेंगे और 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसकी यखनी को आखिर के लिए बचा के रखेंगे। चार से पाँच घंटे बाद गोश्त अच्छी तरह से पक जाएगा। अब एक अलग बर्तन में 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। इनका कलर ब्राउन होने के बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर के पकने के बाद इसमें 2 चम्मच पाए मसाला शामिल करेंगे। पाए मसाला आपको इजीली मसालों की शॉप में मिल जाता है। अब इसमें पाए और गोश्त शामिल करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और यखनी शामिल करेंगे। इसके बाद 10 मिनट के लिए इसे दम पर छोड़ दें। दस मिनट बाद आपके गरम गरम पाए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इसे डिश में निकालें। आखिर में इस पे नींबू स्क्वीज करें और धनिया छिड़कें। पाए बिल्कुल रेडी है। आई होप आप इसे ट्राई करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।